मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुम नब्बे शोषित है। हम लोग का ये स्मार्ट मीटर सर लगाने से अब सर हम लोग का लग रहा है कि सर हम लोग का माँ बाप बिजली बिल भरेगा, स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवाएगा कि मेरा घर चलाएगा सर। हम बोले कि नहीं लगाइए, नहीं लगाइए। वो जो जबरदस्ती टेला टेली धक्का धुक्की करते हुए सीना पर हाथ रखते हुए टेल दिया। ये सरकार अनाज देती है तो ये लोग खाता है, और फ्री में इन लोग को सरकार बिजली दी थी। स्मार्ट मीटर जब लग जाएगा तो पैसा कहाँ जमा। बिहार में प्रीपेड मीटर को लेकर जमकर बवाल। देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस तस्वीर में साफ तौर से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रीपेड मीटर हाथों में लेकर महिला सड़क पर उतर गई और जमकर बवाल करने लगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेपर के साथ। यह तस्वीर औरंगाबाद के हसनपुर गाँव का है, जहाँ ढेर सारी महिलाएं सड़क पर उतर जाती है और वो भी प्रीपेड मीटर लेकर हंगामा करने लगती है। जिस तरीके से बिहार में प्रीपेड मीटर को लेकर बवाल आम तौर से देखने को मिलता है, बिजली विभाग की टीम पहुंचती है प्रीपेड मीटर लगाने, लेकिन ग्रामीण नहीं लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से धांधली का आरोप प्रीपेड मीटर को लेकर लगता है, उस पर सवालों के घेरे में बिजली विभाग आ जाती है। तस्वीर आपके सामने साफ तौर से देख सकते हैं कि औरंगाबाद के हसनपुर गांव में किस तरीके से महिलाएं और पुरुष प्रीपेड मीटर लेकर सड़क पर उतरती है और जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा करने लगती है। महिलाओं का आरोप है कि धक्का दिया जाता है, प्रीपेड मीटर लगाने के लिए लोगों को धक्का दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कहा जाता है। यह तस्वीर आपके सामने साफ तौर से देख सकते हैं। यह आरोप महिलाएं लगा रही है कि किस तरीके से धक्का मुक्की देकर प्रीपेड मीटर लगाया जाता है। प्रीपेड मीटर का विरोध करते हुए महिलाएं साफ तौर से देख सकते हैं, और जिस तरीके से ग्रामीणों में प्रीपेड मीटर को लेकर आक्रोश है और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जरा वो सुनिए। हम लोग का ये स्मार्ट मीटर सर लगाने से अब सर हम लोग का लग रहा है कि सर हम लोग का माँ बाप बिजली बिल भरेगा, स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवाएगा कि मेरा घर चलाएगा सर। ये मामला है सर। तो पहले बिजली बिल देते थे ना? यस सर, बिल्कुल देते थे सर। तो स्मार्ट मीटर लगने से क्या परेशानी है सर? स्मार्ट मीटर लगने से यह परेशानी है सर कि स्मार्ट मीटर तो लगाया ही जा रहा है, साथ ही साथ हमारे माँ बहनों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है सर। तो मैंने शिकायत व्यवहार से है, स्मार्ट मीटर से नहीं है? स्मार्ट मीटर से भी है और अभद्र व्यवहार से भी है सर। तो अभद्र व्यवहार इसका शिकायत किए हैं? यस सर, FI दर्ज किए हैं सर हसपुरा थाना में। अभी तक सर कोई सूचना हम लोग के नहीं आया सर, आज फिर हम लोग जा रहे हैं सर हसपुरा थाना में मिलने। हाँ, शाम से 7 से 9 के बीच में लगाया गया है जबरदस्ती। हमारे घर में नाना बूढ़ी बूढ़े थे, हम मतलब हमारा छोटा छोटा बच्चा है, मतलब थी लगा रहा था, हम गेट खोल के देखे तो हमारे यहाँ मीटर लगा रहा स्मार्ट मीटर। हम बोले कि ये क्या लगा रहे हो? बोला कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, सबको घर में लगेगा। तो हम बोले कि पहले पूरा लगा दिए हैं पूरा पुरारा पंचायत में, ताकि बारी बारी से सबको यहाँ लगेगा। तो हम बोले कि नहीं लगाइए, नहीं लगाइए। वो जो जबरदस्ती टेला टेली धक्का धुक्की करते हुए सीना पर हाथ रखते हुए टेल दिया। हमारे गेटे पर मीटर लगा हुआ है, टेल टाल के अंदर कर दिया। जबरदस्ती उन लोग चार गो थे सर, जबरदस्ती ठोक के चला गए। सीना पर हाथ रखा हो? किसके सीने पर हाथ रखा? हम लोगों को हाथ सीने पर रखा। हाँ सर, महिला को। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुम नब्बे शोषित है। हमको इस पर कहना ही कि महावल बीघा BPL धारी गांव है, वहाँ BPL के कोटा की तरफ बिजली वहाँ लगा था, और सरकार जबरदस्ती प्रशासन के लोग बिजली विभाग के लोग मिल करके उसी गांव पर लगा रहे हैं। तो भाई ये लोग तो खाए बिना मर रहा है। ये सरकार अनाज देती है तो ये लोग खाता है, और फ्री में इन लोग को सरकार बिजली दी थी। ये स्मार्ट मीटर जब लग जाएगा तो पैसा कहाँ से जमा करेगा? हमको कहना ही है कि पहले बड़े बड़े पदाधिकारी जो बिजली बोर्ड के हैं, यहाँ बड़े नेता राजनेता हैं, उनके घर पर लगे। बड़े बड़े दुकान हैं, बड़े बड़े कारखाना है, उनके घर पर लगे स्मार्ट मीटर। सब गरीब के घर में लगे।
और ये पैसा इन लोग के पास है कहाँ? आप फ्री में बिजली देने की घोषणा करते हैं और उसी के तहत इनका लाइन का कनेक्शन हुआ है, और स्मार्ट मीटर कहाँ से पैसा जमा करेगा? फ्री में बिजली ये जो BPL मीटर लगाने की बात हुई थी, लेकिन अभी इन लोग से बात हुई तो इन लोगों ने बताया कि इनके पास एक एक आदमी को 40-40 हज़ार का बिल आया है और इन लोगों ने सूद पर पैसा लेके बिजली बिल जमा किया है। अभी बता रहे थे कि जीरो पर किया है, तो आपके तरफ से विपक्ष की तरफ ये पूरा बिहार में ये समस्या चल रहा है। बिजली बिल का जितना गड़बड़ेशन है पूरे बिहार में, ये केवल औरंगाबाद में गोह में और पूरा में ही नहीं है, ये पूरे बिहार पैमाने पर बिजली विभाग का ये लापरवाही है, चल रहा है और इस पर लूट चल रहा है। जाएगा 50,000 इसको फाइन करेगा और उससे 20,000 रुपये ले करके उसका फाइन शुरू करता है। डायरेक्ट हम आरोप लगाते हैं बिजली विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो विजिलेंस के लोग आते हैं वो लोग पैसा लेकर रफा दफा करते हैं, तो ये तो समझे नारकीय है। इसके लिए हमारे नेता और जनता आक्रोशित है, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगी बहुत जल्द, और हम सरकार से मांग करते हैं इस पर पहल करें, जो पुराना पद्धति था उस पर अपना व्यवस्था करें और बिजली बिल का सुधार करें।